लेकिन अब भी हम कितने सुधार करवा पाए ये भी मायने रखते हैं, क्योंकि काउंसिल बढ़ जाना ही काफी नहीं है। काउंसिल बनने के बाद क्या वो उस रियल सेंस में काम कर रही है जिसके लिए उसको बनाया गया था, तो वो भी सवाल है। लेकिन इन सब से इतर, क्योंकि जब तक मैंने नहीं किया था, जब तक मैंने देखा नहीं, तो भाई मेरे को भी लगता था वहाँ ही सारे सोल्यूशन उस काउंसिल वाले पिटारे में रखे हैं, जिस दिन काउंसिल आएगी बस अमृत वर्षा हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता तभी है जब आप रियल सेंस में खुद को अपने प्रोफेशन को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, आप सारे मिलके, चाहे वो एसोसिएशन के लेवल पे या वैसे अपने एक स्टेट सिटी के लेवल पे भी, अगर आप 10 फिजियोथेरेपिस्ट इकट्ठे होकर अपनी प्रोग्रेस के लिए सोचना शुरू करेंगे डेफिनेटली होगी। लेकिन हम सबको मिलके चलना होगा, यूनिटी की बात, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा काउंसिल में तो यही है कि अब नेशनल अलाइड क्योंकि आने वाली है, और स्टेट में भी हम अपने अपने अगर प्रयास शुरू आज भी करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजस्थान ने प्रयास नहीं किए, हम भी गवाह हैं, राजस्थान ने बहुत प्रयास किए हैं और बहुत अनशन तक भी किए, प्रोटेस्ट किए हैं डॉक्टर साहब को, क्योंकि हम ऐसा नहीं है सोशल मीडिया के सहारे से भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन चलो ठीक है, कहीं बड़ा स्टेट है थोड़ा देर से सिरे चढ़ती हैं चीज़ें, कहीं छोटा स्टेट है थोड़ा जल्दी चढ़ जाती है, वो कोई बात नहीं, चीज़ें चलती हैं। पर नेशनल अलाइव क्योंकि इन फ्यूचर हमारे बीच होगी, तब तक के लिए हमारा ये है कि हम सब जिस भी एसोसिएशन में अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं कहूँगा, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब अपना प्रयास कर रहे हैं, आप उसके साथ जुड़े, लेकिन जहाँ भी है वहाँ अच्छा करें, ये मेरा सुझाव है। और आई होप इससे काफ़ी साथी मेरे एग्री भी होंगे। और मैं इस पैनल में एक नाम अगर कमेटी डिसाइड करें तो मैं अवतार डोई जी का भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की तो जाहिर सी बात है हम फ्यूचर प्रोग्रेस की, क्योंकि आपने फर्स्ट पॉइंट रखा था व्हाट इज द फ्यूचर, तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के बीच छुपा हुआ है, ये लोग हैं जो औरों को भी डायरेक्शन दे सकते हैं, और इनको भी पैनल में मैं इन्वाइट करूँगा, आप भी आएँ और अपने विचार रखें। थैंक यू।